स्पीच का बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। महम से बड़ी खबर, महम में किसानों की महापंचायत हुई है। महापंचायत में गुरनाम चडूनी का बयान सामने आया है, बड़ी खबर। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली पुलिस आए तो हो जाओ इकट्ठा, यह बात गुरनाम चडूनी ने कही है। महम से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, किसानों का खर्च भी किसान यूनियन उठाएगी, यह भी बात गुरनाम चडूनी ने कही। किसानों के केस फ्री में लड़े जाएंगे, गिरफ्तार मत होने देना, यह भी बात चडूनी ने कही है, बड़ी खबर। बीच महम से आपको बता दे, महम में किसानों की महापंचायत में गुरनाम सिंह चडूनी ने क्या कुछ कहा है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस अगर आए तो इकट्ठा हो जाओ, किसी को गिरफ्तार नहीं होने देना है किसी भी हालत में। किसानों का खर्च उठाने की बात भी गुरनाम चडूनी ने कही है, और साथ ही कहा है कि जिन किसानों पर केस है उनके केस फ्री में लड़े जाएंगे। सुनते हैं क्या कुछ कहा है। साथियों, जिसके पास भी नोटिस आए, हमने थाने में नहीं जाना है, हमने दिल्ली पुलिस के पास नहीं जाना। दिल्ली पुलिस पकड़ने आए, आ जाते हैं ना, कईयों को पकड़ रहे हैं गांव से भी आके। दिल्ली पुलिस पकड़ने आ जाए, अपने अपने गांव में तय कर लीजिए, पंचायत कर लीजिए, पता होगा ना किसके पास नोटिस आ जाए, तो पता लग जाता है गांव में। दिल्ली पुलिस पकड़ने आए, सारा गांव इकट्ठा हो जाओ, घेर लो, वहीं पे बिठा लो, इज्जत से बिठाने हैं, मारपीट नहीं करनी है, हैं तो हमारे ही बेटे कहीं ना कहीं, इज्जत से बिठाने हैं, खिलाना पिलाना है, जिला प्रशासन को बता देना है कि आपकी पुलिस हमारे पास है, ये वादा करो कि आज के बाद आपके गांव में किसी को पकड़ने नहीं आएंगे, तब उनको छोड़ो। साथियों, जितने भी मुकदमे बने हुए हैं उन सब के केस फ्री में लड़े जाएंगे और उनका अंदर बैठे का खर्चा भी दिया जाएगा। अगर कोई भाई आपके पास कोई ऐसा है जिसका कोई खर्चे के अंदर जरूरत है या जिसको वकील की जरूरत है, वो हम करेंगे, और जितना भी हमारे से बन पड़ेगा वो हम सहयोग करेंगे। तो गुरनाम सिंह चडूनी ने इस महापंचायत के दौरान क्या कुछ कहा, सुना आपने। सीधा आप चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, गुरनाम सिंह चडूनी ने महापंचायत में आज जो कुछ कहा सबने सुना, मैं चाहूंगा आप अपडेट दें और क्या कुछ बड़ी बातें गुरनाम सिंह चडूनी ने आज कही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आज महम के अजायब गांव में सर्वदलीय किसान महापंचायत थी, उसमें जिस तरह से गुरनाम सिंह चडूनी ने जो किसानों से बातचीत करी है, उससे लगता है कि किसान लंबी लड़ाई के मूड में है, और उधर किसान लंबी लड़ाई के मूड में और सरकार भी हथ अपनाए हुए है, सरकार का रुख भी जो है वो इसी तरह का है जिस तरह किसान लंबी लड़ाई के मूड में है। तो इसी तरह गुरनाम सिंह चडूनी ने सबसे पहले यहाँ महापंचायत में आते ही ये जानकारी दी कि 250 से ज्यादा जो किसान हैं वो इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, और उन शहीदों के लिए किसानों ने मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि दी। और गुरनाम सिंह चडूनी ने बताया कि जो सरकार है, सरकार ने लोगों को जाति और धर्म में बांटने का काम किया, प्रयास था लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया, उल्टा जो पैतरा है, जो सरकार का पैतरा उल्टा पड़ा, जाति और धर्म में बंटने की बजाय लोग एक होते चले गए, और ये पूरा जो किसान आंदोलन है ये सभी जातियों का आंदोलन है। और गुरनाम सिंह चडूनी ने मंच से ये आह्वान भी किया कि आप शहर के लोग और दलित जातियों के लोग हैं वो भी इस आंदोलन में शरीक हों और साथ मिलकर के ये लड़ाई लड़े, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये खेती का व्यापार करने के कानून की लड़ाई है, खेती को व्यापार बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, तो दूसरे वर्गों ने काफी तरक्की यानी कि कुल मिलाकर राजकुमार ये कहा जाए कि गुरनाम सिंह चडूनी ने महम के इस महापंचायत में आज बहुत बड़ी बातें कही। राजकुमार बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।